माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं हूं शैव्या, आप लोगों की टैरो कार्ड रीडर एंड स्पिरिचुअल हीलर। एंड आज की रीडिंग में हम जानने वाले हैं 777 पोर्टल के बारे में। 777 पोर्टल के बारे में ये रीडिंग होने वाली है, और ये जो पोर्टल है वो बन रहा है 7th of July 2023 को। और ये पोर्टल आप लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आने वाला है, क्या बदलाव लेकर आने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स लेकर आने वाला है, साथ में क्या गाइडेंस होने वाली है, यही हम आज की रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे। एंड ये एक बहुत ही बड़ा पोर्टल होता है। आप सभी 11/11 पोर्टल के बारे में जानते होंगे, जो कि हमारे लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है। और ऐसे ही 555 पोर्टल भी होता है, 777 पोर्टल भी होता है। एंड इसकी मदद से ना, इस पोर्टल को यूज़ करके आप चाहें तो, अगर इसका अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, आप अपनी कोई भी डिज़ायर, अपनी कोई भी विश यहाँ पर पूरी कर सकते हैं इस पोर्टल की मदद से। एंड देखेंगे हम आने वाले रीडिंग में कि आप किस तरह से इस पोर्टल का इस्तेमाल अपनी लाइफ में लेकर आ सकते हैं, जिससे कि आप जो चाहें वो मैनिफेस्ट कर पाएँ। एंड आज की रीडिंग के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, दो ग्रुप्स हैं। और कार्ड नंबर 1 के लिए हमारे पास एम्ब्रेस हैं, और कार्ड नंबर 2 के लिए यहाँ पर डिटर्मिनेशन। एंड अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मुझे पहली बार सुन रहे हैं, तो आपका ढेर सारा स्वागत है मेरे चैनल पे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल फैमिली। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा वीडियो। एंड यहाँ पर मैं आपको ऑप्शंस क्लोजली दिखा देती हूँ। हाँ, बट उससे पहले, अगर आप लोग अपनी लाइफ में कुछ स्टक महसूस कर रहे हैं, अपनी लव लाइफ में, अपने करियर लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में कोई गाइडेंस चाहते हैं, तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, या ईमेल कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पे। जो भी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन मिल जाएगी, तो उसे चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड यहाँ पर मैं आपको ऑप्शंस दिखा देती हूँ। कार्ड नंबर 1, यहाँ पर पाइल नंबर 1 है, उसके लिए एक ऑप्शन यहाँ पर है एम्ब्रेस। ब्यूटिफुल कार्ड, क्लोजली आप देख लीजिए। और आपके लिए ये जो ब्रेसलेट आ रहा है वो है ब्लैक टर्मलिन ब्रेसलेट। ओके, ऑलरेडी पाइल नंबर 1 के लिए मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं, वो हम देखेंगे आपकी रीडिंग में। और पाइल नंबर 2 के लिए यहाँ पर आ रहा है डिटर्मिनेशन, 21 नंबर, नंबर 21। एंड आपके लिए जो ब्रेसलेट है वो है रोज क्वार्ट्स ब्रेसलेट। ओके, ओके, सो आप आराम से वीडियो को पॉज करके अपना पाइल चूज़ कर लीजिए, एंड जो भी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन मिल जाएगी, एंड आपके टाइम स्टैम्प्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही गिवन मिल जाएंगे, तो उसको क्लिक करके आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग तक पहुँच सकते हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आप लोगों ने इस ब्यूटीफुल से एम्ब्रेस के कार्ड को चूज़ किया है, नंबर 11 चूज़ किया है, या फिर ये ब्लैक टर्मलिन ब्रेसलेट चूज़ किया है, सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि 777 जो पोर्टल है ना, ये आपका बनता है डिवाइन प्लान का नंबर, कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं, आप डिवाइन प्लान के एक बहुत ही बड़े हिस्से हैं, और जो भी आपके लाइफ में हो रहा है वो सब डिवाइनली गाइडेड हैं। आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा है, अपने इंट्यूशन की मदद लीजिए, ठीक है? आप लोग बहुत ज़्यादा डिवाइनली गाइडेड हैं। साथ में सात नंबर, जो 7 नंबर होता है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखें तो, केतु का नंबर होता है। और ये केतु क्या होती है? हेडलेस एनर्जी। अगर आपने केतु का स्वरूप देखा होगा इमेजेस में, या कभी किसी फ़ोटो में, या किसी मंदिर में, तो आप देखेंगे कि उसका हेड नहीं होता, सिर्फ धड़ होता है उसका। तो यहाँ पर जो केतु बात करता है, 7 नंबर बात करता है, इस पोर्टल के बाद हो सकता है काफ़ी सारे लोगों को लॉजिकल थिंकिंग में बनाने में प्रॉब्लम हो, किसी चीज़ के लॉजिक में जाने से प्रॉब्लम हो, अपनी इंटेलिजेंस IQ ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे आप लोग, IQ के हिसाब से नहीं चलेंगे, और जो भी चीज़ें हैं बिना सर पैर के कुछ बातें आप लोग बोल सकते हैं, कुछ सोचेंगे अलग, और उन आपका बिहेवियर अलग हो सकता है, ठीक है? तो इस तरह से यहाँ पर केतु की एनर्जी आपको इफ़ेक्ट कर सकती है। एंड इस एनर्जी को, इस नेगेटिव एनर्जी को आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं? गणेश जी की हेल्प से, विघ्नहर्ता गणेश जी की हेल्प से आप इस एनर्जी को ओवरकम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर गणेश जी हमें प्रदान करते हैं बुद्धि, विवेक, सही सोचने समझने की क्षमता यहाँ पर गणेश जी प्रदान करते हैं। तो हाँ, इस पोर्टल के बाद बहुत सारे लोग ये नोटिस करेंगे कि आप लोगों को जो भी आप काम कर रहे हैं वो बिना सर पैर के कर रहे हैं, या फिर कुछ बोल रहे हैं तो बिना सोचे समझे कुछ बोल रहे हैं,
तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंटेलिजेंस, आपका IQ इम्प्रूव हो, आपके बोलने की सोचने की क्षमता अच्छी हो, तो गणेश जी, विघ्नहर्ता गणेश जी की आराधना कीजिए. ओके एंड यस, कार्ड नंबर 1 यहाँ पर आपके लिए जो कार्ड आया था, एम्ब्रेस. सबसे पहले तो नंबर 11 मास्टर नंबर होता है और ये बात करता है कि आप लोगों की लाइफ में ना, आप बहुत सच में डिवाइनली बहुत ज़्यादा गाइडेड हैं. और एम्ब्रेस का मतलब यहाँ पर ये जो कार्ड बात कर रहा है कि आपके अंदर प्यार भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा प्यार भरा हुआ है और आप देने से नहीं घबराते, मतलब प्यार बांटते रहते हैं. सेल्फलेस लव मैं आपकी लाइफ में देख रही हूँ और मुझे लगता है कि आपने ना, आप बस लुटाते रहते हैं. कोई अगर आपसे मांगे भी तो आप लुटाते रहेंगे अपनी चीज़ों को, अपने सेल्फलेस लव. यहाँ पर बिल्कुल भी प्यार में कोई भी कंडीशन नहीं है, सेल्फलेस है आपका लव, अनकंडीशनल लव है. और आप लोगों से प्यार तो करते हैं लेकिन आपको रिटर्न में उतना नहीं मिल पाता है ना, आपको रिटर्न में उतनी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं. और इसलिए यहाँ पर आपके लिए ब्लैक टर्मलिन का ब्रेसलेट आया है ताकि आप थोड़ा सा हेल्दी बाउंड्रीज एस्टैब्लिश करें. आपके लिए गाइडेंस फर्स्ट ऑफ ऑल यही आ रही है कि हेल्दी बाउंड्रीज बनाइए लोगों के साथ, क्योंकि लोग यहाँ पर आपके ट्रस्ट का, आपके प्यार का, आपकी इनोसेंस का फ़ायदा उठा लेते हैं. तो यहाँ पर आपको यही कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा सा बाउंड्रीज़ बनाने की ज़रूरत है, अगर क्योंकि ये बाउंड्रीज़ है ना, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप बाउंड्रीज़ नहीं बनाएंगे तो आप मेंटली यहाँ पर ड्रेन हो सकते हैं. ओके सो ये फर्स्ट मैसेज आपके लिए आया था और मैं इस कार्ड को यहाँ रख दूँ. ओके सो यहाँ पर हम टैरो की हेल्प से देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या बड़े बदलाव आने वाले हैं. ओके 777 पोर्टल के साथ वी हैव टू ऑफ पेंटिकल्स. जैसा कि मैं कह रही थी ना, सोचने समझने की क्षमता थोड़ी सी आपकी कम हो सकती है. यहाँ पर चीज़ों को बैलेंस करने की क्षमता, आप कर कुछ और रहे हैं और सोच कुछ और रहे हैं, यहाँ पर सोच मतलब आप सोचते कुछ हैं और करते कुछ और हैं. तो यहाँ पर आपसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है द हायरोफेंट. ओके मैं कार्ड्स निकाल लूँ, मैं उसके बाद आपको बताती हूँ. देखिए यहाँ पर वही बात आ गई ना कि आप बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर के हैं, गिव बहुत ज़्यादा देते बहुत ज़्यादा है, डोनेशन भी हो सकता है आप बहुत करते हो, बट यहाँ पर रिसीव उतना नहीं करते. जस्टिस. ओके यहाँ पर भी बैलेंस की आप एनर्जी देख सकते हैं, यहाँ पे भी बैलेंस है, यहाँ पे भी बैलेंस है. ओके मैं और कार्ड्स निकालती हूँ. और यहाँ पर आपसे ना कहा जा रहा है कि आपने जो भी कर्म किए हैं वो बहुत सारे गुड कर्म आपका ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है और ये गुड कर्म है ना, अब धीरे धीरे आपको फल देने लग जाएगा. जो यहाँ पर चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं वो है पॉजिटिव चेंजेस. ओके ओके देखिए यहाँ पर गुड कर्मा का आपको रिजल्ट मिल रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स के रूप में. फाइनेंसेस अबंडेंस, आपकी बहुत भरपूर अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में. अगर आप फाइनेंशियली ब्लॉकेजेस महसूस कर रहे थे तो आपकी लाइफ में फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आ रही हैं. कुछ लोगों के लिए यहाँ पर फैमिली में प्रॉब्लम्स चल रही थी, टॉक्सिक फैमिली मेम्बर्स या फिर आपके कुछ यहाँ पर मुझे इन-लॉज आपके टॉक्सिक लग रहे हैं, कुछ लड़ाई झगड़ा चल रहा था या फिर कोई डिवोर्स केस से आप लोग निकले हैं पास्ट में, सेपरेशन से निकले हैं पास्ट में, तो वो भी यहाँ पर आपके लिए. देखिए 5 ऑफ कप्स यहाँ पर आया है. तो यस यहाँ पर आपके लिए जो बदलाव आ रहे हैं वो है अबंडेंस. अब जितना भी आपने दिया है ना वो गुड कर्मा हो गया है, अब गुड कर्मा आपको रिजल्ट देगा. अच्छे कर्मों का आपको डेफिनेटली यहाँ पर रिजल्ट मिलने वाला है. ओके तो पर सबसे पहले यहाँ पर आप ओके जजमेंट आप देख सकते हो. जजमेंट और जस्टिस की एनर्जी एक साथ आई है, अमेजिंग. ऐसा बहुत ही कम होता है, रेयरली होता है और यहाँ पर ये आया है. सो यस यहाँ पर आपसे यही कहा जा रहा है कि जो बदलाव है, पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं आने वाले इस पोर्टल के बाद, 777 पोर्टल के बाद. और आपके पास्ट में जो भी हुआ ना उससे आपको रिकवर होने का बहुत ही अच्छा समय मिलेगा, हील होने का बहुत ही अच्छा समय मिलेगा. और कुछ लोग ना इस पोर्टल के बाद बहुत बहुत ज़्यादा ही स्पिरिचुअल होने वाले हैं, अपनी स्पिरिचुअलिटी पे आप लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं. कुछ नहीं, प्रैक्टिकल नहीं होना, लव लाइफ भी नहीं चाहिए, बस मुझे ईश्वर चाहिए, गॉड चाहिए. तो यस बहुत ज़्यादा आप लोग स्पिरिचुअल हो सकते हैं और अब आप ना बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने वाले हैं कि आप कहीं किसी को हर्ट तो नहीं करें. पहले भी आप ध्यान रखते थे लेकिन इस पोर्टल के बाद आप कुछ ज़्यादा ही ध्यान रखेंगे कि कहीं आप किसी को अनजाने में भी हर्ट ना कर दें. आपका गुड कर्मा ज़्यादा अच्छा करने की आप कोशिश करेंगे.
साथ में बहुत सारे लोगों के लिए, अगर आपके फैमिली में इश्यूज आ रहे थे, अगर आपके फैमिली वाले लव मैरिज के लिए नहीं मान रहे थे, तो वो भी यहाँ पर मान सकते हैं। शादी बहुत सारे लोगों की देख रही हूँ मैं, वो लव मैरिज हो सकती है, अरेंज मैरिज हो सकती है, कोर्ट मैरिज हो सकती है, शादी आपकी हो रही है यहाँ पर, और बहुत ही खूबसूरत वेडिंग आपकी हो रही है, खूबसूरत वेडिंग सेरेमनी। अगर आपने चाहा भी था ना कि मेरे को एक सिंपल वेडिंग चाहिए, तो नहीं, यहाँ पर धूमधाम से आपकी शादी मुझे नज़र आ रही है, और आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी हो रही है। अगर यहाँ पर आप लोग फैमिली लाइफ को आगे बढ़ाने का सोच रहे थे, तो वो भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी है एक आपके लिए। आपकी फैमिली, आपका वंश आगे बढ़ रहा है, ओके, और आपके पूर्वजों का आशीर्वाद भी मैं बहुत सारा देख रही हूँ यहाँ पर। स्पिरिचुअली तो आप बहुत ग्रो करने वाले हैं आने वाले, मतलब आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होने वाले हैं। और डोनेशंस, मतलब ईश्वर आपको इतना कैपेबल बनाने वाले हैं ना कि आप डोनेट करते करते थक जाएंगे। आपका जो यहाँ पर मकसद मुझे लग रहा है ना, कि आप डोनेशन करना चाहते हैं बहुत ज़्यादा, या फिर एनजीओ खोलना चाहते हैं, या कोई सोशल सर्विस करना चाहते हैं, कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, न्याय से आपको बहुत प्यार है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर साढ़े साती चल रही है, शनि की महादशा चल रही है, साढ़े साती चल रही है, कुछ शनि का टाइम भी मुझे चल रहा है। शनिदेव की आराधना करना आपके लिए अच्छा रहेगा। और अपनी पास्ट से, आपसे ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप पास्ट में अटके रहते थे ना, तो अपने पास्ट से आप लोग हील हो रहे हैं। अब आप लोग यहाँ पर एक बाउंड्री बनाएंगे, स्पेशली इस रीडिंग को देखने के बाद ना, आप लोग अपनी लाइफ में थोड़ी सी बाउंड्रीज क्रिएट करेंगे, हेल्दी बाउंड्रीज, ताकि आपको भी हर्ट ना हो और ना ही दूसरों को हर्ट हो, ठीक है। आपकी एनर्जी जो ड्रेन हो जाती थी ना, और फिर आपको लगता था कि अरे मेरा तो कुछ काम बन ही नहीं पाया, तो अब वो नहीं होगा इस पोर्टल के बाद। ऑल्सो मैं देख रही हूँ आपकी कोई ना कोई विश पूरी हो रही है, और स्पेशली ये लव लाइफ से रिलेटेड ज़्यादा विश मुझे लग रही है, और रोमांटिक लाइफ या शादी से रिलेटेड हो सकती है आपकी ये जो विश है, ओके। तो इस विश, कोई भी विश हो सकती है, वो यहाँ पर पूरी होने वाली है। और साथ में आपकी फैमिली का सपोर्ट, अपने लव्ड वंस का सपोर्ट आपको मिलने वाला है, आपके पार्टनर का सपोर्ट आप लोगों को मिल सकता है, ओके। साथ में आपका इंट्यूशन बहुत ग्रो होने वाला है इस पोर्टल के बाद ना, आपका इंट्यूशन बहुत ग्रो होगा, क्योंकि आप स्पिरिचुअली अलाइन हो रहे हैं, तो आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा ग्रो हो सकता है। ऑल्सो अगर आप किसी कोर्ट केस से जूझ रहे थे, तो उसमें आपको पॉजिटिव न्यूज़ में देखने के लिए मिल सकती है। और यस, अगर आप लोग चाह रहे थे, किसी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं गाइस, अगर आप लोग चाह रहे थे कि आपको कोई अच्छा ऑफर मिले, भले ही वो करियर में हो, लव लाइफ में हो, या किसी भी फील्ड में हो, अच्छा ऑफर चाह रहे थे, और अगर आपको अच्छा ऑफर नहीं मिल रहा था, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही थी, तो इस पोर्टल के बाद आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आनी शुरू हो जाएंगी। साथ में अगर आपके खर्चे नहीं हो रहे थे, मतलब सॉरी, खर्चे और आपका जो बजट है वो नहीं बन रहा था, इम्बैलेंस आ रहा था आपके फाइनेंसेस में, तो आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल डोनेशन कीजिए, और साथ में आपके पास इतना पैसा आने वाला है कि आपके पास एक तरह से फाइनेंशियल फ्रीडम आने वाली है, आने वाले टाइम में फाइनेंशियल फ्रीडम आ रही है आप लोगों के पास, ओके। आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा रहने वाला है, कुछ लोग यहाँ पर एंजल्स के साथ काम कर सकते हैं, एंजल्स के साथ। और देखिए यहाँ पर 5-5 नंबर बन रहा है, जो कि अगेन बात कर रहा है कि आपके लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है। साथ में यहाँ 10-10-10 नंबर बन रहा है, जो कि आपकी लाइफ में बता रहा है कम्प्लीशन, एक चैप्टर की कम्प्लीशन हो रही है, एक स्ट्रगल्स की कम्प्लीशन हो रही है ना, कुछ ना कुछ कम्प्लीट हो रहा है आपकी लाइफ में यहाँ पर। और जितना प्यार आप दे रहे थे, उतना प्यार आप बदले में रिसीव करने के लिए रेडी हो जाइए। आपको ना इस एफर्मेशन के साथ काम करना चाहिए, आई एम ओपन टू रिसीव, ओके, इस एफर्मेशन के साथ आप लोग काम कर सकते हैं। ऑल्सो जिन भी लोगों को अपनी हॉबीज़ फॉलो करनी थी, आप लोग अपनी हॉबीज़ को फॉलो करने के लिए भरपूर टाइम निकाल पाएंगे, अपनी हॉबीज़ को अच्छे से फॉलो कर पाएंगे यहाँ पर। हायर एजुकेशन के लिए कुछ लोग जाना चाहते थे, तो हायर एजुकेशन भी आप लोगों के लिए आ रही है, ओके, हायर एजुकेशन आ रही है, लॉ आ रही है, लॉ से रिलेटेड आप लोग कुछ कर सकते हैं, ओके। सो मैं देख लेती हूँ आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है। फैमिली का, फ्रेंड्स का फुल सपोर्ट यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रहा है। साथ में ना, जो भी जितना भी आपने दिया है ना, बदले में अगर आपको रिस्पेक्ट कभी नहीं मिली है, तो बदले में आपको रिस्पेक्ट रिसीव होगी यहाँ पर। गॉड आपके लिए रिस्पेक्ट लेकर आएंगे, रिस्पेक्ट आपको मिल रही है जितना आप दे रहे हैं, जितना आपके अंदर प्यार भरा हुआ है, जितना आप लोगों ने प्यार को लुटाया है, उतनी ज़्यादा आप रिस्पेक्ट ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो अपने आप को हील करते रहिए, सेल्फ लव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, हील करते रहिए अपने आप को, बट बाउंड्रीज़ के साथ, ठीक है, बाउंड्रीज़ बना के, ताकि आप पूरी तरह से इमोशनली ड्रेन्ड ना हो जाएं, ओके। तो मैं आपके लिए देखती हूँ कि गाइडेंस क्या आ रही है आप लोगों के लिए।
कुछ लोग अगर कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे थे तो यहाँ पर आपके लिए कंपटीशन में भी गुड न्यूज़ आ रही हैं। अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया था, कोई इंटरव्यू दिया था, तो उसमें भी आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है, गुड अनाउंसमेंट मिल सकती है। ओके, फुल मून इन टॉरस, डिटॉक्सिफाई कीजिए अपने थॉट्स को और अपने अपनी बॉडी को भी यहाँ पर डिटॉक्सिफाई करने की आपको ज़रूरत है। अगर आप ज़्यादा जंक फूड खा रहे हैं तो अपने आप को थोड़ा सा हेल्दी फूड आप लेकर आइए अपनी लाइफ में, अपनी डाइट में ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए। और देखिए यहाँ पर ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर गाँव है, गाँव माता है, तो यहाँ पर आपको ना अपनी बुद्धि और विवेक, अगर आप हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं तो आपको गाय को हरी घास या हरी पालक, हरी सब्जियाँ खिलानी चाहिए। ओके, वेंसडे वाले दिन बुधवार के दिन आपको गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए और डिटॉक्सिफाई अपने तन मन से, अपने आप को डिटॉक्सिफाई कीजिए। टेक अ ब्रीदर, लास्ट क्वार्टर मून एंड कैंसर, टेक अ ब्रीदर, यहाँ पर रिलैक्स कीजिए, एक लंबी सांस लीजिए, रिलैक्स कीजिए और रिलीज़ कीजिए अपने इमोशंस, हैवी फील करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, लास्ट क्वार्टर मून एंड वर्गो, अटेंड टू द डिटेल्स, यहाँ पर अपनी डिटेल्स को, जो भी आपके लाइफ में डिटेल्स है ना, माइन्यूट डिटेल्स, उसको नोटिस कीजिए और जो डिटेल्स आपको यहाँ तक लेकर आई हैं उनको नोटिस करने की आपको कोशिश करनी चाहिए, हर एक चीज़ की बारीकी को जानने की आपको कोशिश करनी चाहिए। ओके, एंड एम्ब्रेस द फ्लो ऑफ लाइफ, गो विद द फ्लो। ओके, गो विद द फ्लो की एनर्जी में आप लोगों को रहना है, गो विद द फ्लो, और जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए, ईश्वर जो चाह रहे हैं वैसा ही सरेंडर करके आपको चलते जाना है आगे। इट्स अप टू यू, सब कुछ आप पे ही निर्भर करेगा, इट इज़ अप टू यू। ओके, ये बहुत ही अच्छा कार्ड है, सब कुछ आपके हाथों में ही निर्भर कर रहा है, आप पे ही निर्भर कर रहा है, इट्स अप टू यू। ओके, कार्ड्स फुली नहीं आ रहे हैं यहाँ पे। ट्रस्ट, ओके, बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज जो आया है आपके लिए वो है ट्रस्ट। आप लोगों को ना डिवाइन पे ट्रस्ट तो है, बट कभी कभी डगमगा जाता है वो भरोसा, क्योंकि हो सकता है कि कभी कभी आपको ना वैसा रिजल्ट नहीं मिलता है, रियलिटी में वो रिज़ल्ट देखने के लिए नहीं मिलता है, तो अपने ट्रस्ट को पूरा बनाए रखिए, साथ में ना खुद पर भी यहाँ पर ट्रस्ट कीजिए। ओके, सक्सेस, ओके, सक्सेस तो आ ही रही है यहाँ पर, जजमेंट कार्ड के साथ सक्सेस आ रही है आप लोगों के लिए, तो यस, सक्सेस तो आ ही रही है आप लोगों के लिए। और बॉटम ऑफ द डेक आप लोगों के लिए है लेट गो, जो कि मैं वही कह रही थी ना, पास्ट की एनर्जी से आपको लेट गो करना है, पास्ट की एनर्जीज में नहीं रहना है और पास्ट की एनर्जीज़ को आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। सो यस, पाइल नंबर वन ये थी आप लोगों के लिए गाइडेंस, आई होप कि आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली होगी आज की रीडिंग से। तो प्लीज़ अगर कोई गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा ये वीडियो। एंड अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन मिल जाएगी। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। हेलो पाइल नंबर टू, अगर आप लोगों ने इस ब्यूटीफुल से डिटर्मिनेशन के कार्ड को चूज़ किया है, नंबर 21 को चूज़ किया है और साथ में हीरोज़ क्वार्ट्ज ब्रेसलेट को चूज़ किया है, तो देखते हैं कि आप लोगों के लिए 777 पोर्टल क्या लेकर आ रहा है। और 777 नंबर जो है ना, डिवाइन गाइडेंस की बात करता है यहाँ पर, कि आप सभी लोग कितने ज़्यादा डिवाइनली गाइडेड हैं, यू आर अ पार्ट ऑफ डिवाइन प्लान, आप लोग एक डिवाइन प्लान का हिस्सा हैं। 777 जो नंबर है ये बात करता है कि आप अपने इंट्यूशन की सुने, और क्योंकि आप डायरेक्टली डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, आपका इंट्यूशन डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है और आप लोग बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हैं, और बिल्कुल डाउट मत कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, सरेंडर कीजिए और आगे बढ़ते जाइए अपनी लाइफ में, और आपको सब कुछ डिवाइन पे सौंप देना है, ईश्वर पे सौंप देना है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग एक बहुत ही ब्यूटीफुल डिवाइन प्लान का हिस्सा है। साथ में जो सात नंबर है, सेवन नंबर है, वो एस्ट्रोलॉजी में आपका केतु का नंबर होता है, केतु का नंबर होता है। और केतु क्या होता है, अगर आपने केतु की इमेजेस देखे हो कभी या फिर कुछ केतु की जो मूर्ति है वो देखी होगी मंदिर में, तो केतु होता है सिर्फ हेडलेस एनर्जी, धड़ होता है उसका, सिर्फ सर नहीं होता है, हेडलेस एनर्जी होती है केतु। तो आप लोग बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड हैं केतु की एनर्जी से, हम सभी इफेक्ट होंगे 777 पोर्टल के बाद, और ये जो केतु की एनर्जी है ना, ये हेडलेस एनर्जी होती है, तो हमें
लॉजिकल थिंकिंग करने में दिक्कत हो सकती है, इंटेलिजेंस के साथ काम करने में दिक्कत हो सकती है। हो सकता है कि आप कुछ कह रहे हैं बट बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी सर पैर के आप कुछ बात कह रहे हैं, कुछ ऐसे शब्द कह रहे हैं जो दूसरों को समझ में ना आए, आपको खुद भी समझ में नहीं आएगा कि मैंने क्या कह दिया। तो हेडलेस एनर्जी होती है कि बिना किसी दिमाग के, बिना किसी लॉजिक के यहाँ पर काम कराएगी आपको। और इस हेडलेस एनर्जी से, इस मुश्किल से निपटने के लिए, इस विघ्न से निपटने के लिए हमें ज़रूरत है विघ्नहर्ता गणेश जी की। तो यहाँ पर आपको गणेश जी की आराधना करना बहुत इम्पॉर्टेंट है हम सभी को, क्योंकि यहाँ पर गणेश जी जो हैं बुद्धि, विवेक और हमें क्षमता प्रदान करते हैं कि हम अपनी बुद्धि से, नॉलेज से, इंटेलिजेंस से काम कर पाएँ, अपनी लाइफ में कुछ अच्छे चेंजेस लेकर आ पाएँ, हमारे अंदर उतनी क्षमता रहे कि हम सही काम करें, सही से आगे बढ़ें अपनी लाइफ में। ओके, तो यहाँ पर गणेश जी, विघ्नहर्ता गणेश जी की आराधना करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और ताकि आपके अंदर ना नॉलेज आए, भरपूर नॉलेज आए। अगर आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पर आप, मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो यस, अगर आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो वैसे भी आपको गणेश जी की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि गणेश जी कौन होते हैं, बुद्धि के देवता, बुद्धि प्रदान करने वाले देवता होते हैं। एंड यस, यहाँ पर डिटर्मिनेशन का कार्ड यही बात कर रहा है कि आपको जो भी आप गोल्स अचीव करना चाहते हैं, आपको डिटरमाइन होकर अपनी एक डिटर्मिनेशन के साथ काम करना चाहिए। यहाँ पर आप रूट चक्रा देख सकते हैं, रूट चक्रा आपका यहाँ पर एक्टिव होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और रूट चक्र अगर यहाँ पर बैलेंस नहीं है ना आपका, तो आप लोग इनसिक्योर हो जाएंगे, आपके अंदर डिटर्मिनेशन नहीं होगी, आपके अंदर पॉजिटिविटी नहीं होगी, आपको हर चीज़ में डाउट होने लग जाएगा, और आपको ऐसा लगेगा कि मतलब कुछ समझ में नहीं आएगा। आप काम तो करना चाहते हैं, बहुत बहुत कुछ काम करना चाहते हैं, बट एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि डिटरमाइन करके, एक गोल को बना के, उस पर डिटरमिनेशन के साथ काम करके आप उसे अचीव कर सकते हैं। ओके, और नंबर 21 यहाँ पर बात कर रहा है, जो कि नंबर 3 बनाता है, कि आपको अपने माइंड बॉडी स्पिरिट के बैलेंस के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। माइंड बॉडी स्पिरिट मतलब कि आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ, लव लाइफ और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस करके आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में, ठीक है। एंड साथ में यहाँ पर रोज क्वार्ट्ज का जो ब्रेसलेट है, यहाँ पर मुझे ये एनर्जी मिल रही है कि बहुत सारे लोग अपनी लव लाइफ में इनसिक्योर हो सकते हैं, इनसिक्योरिटी आपकी लव लाइफ में आ रही है। हो सकता है पास्ट में आपने ऐसे कुछ स्ट्रगल्स देखे हो जिसकी वजह से आपके दिल में ना इनसिक्योरिटीज़ डेवलप हो गई हैं, और आपने अपने दिल के आसपास जो है बाउंड्रीज़ बना ली हैं, और अपने आप को एक टफ़ इंसान के रूप में आप दिखाते हैं, बट अंदर से ना आप उतने ही सॉफ्ट हैं, उतने ही कोमल हैं, आपका मन उतना ही सॉफ्ट है, कोमल है, और आपके अंदर भरपूर प्यार छुपा हुआ है, बट आप दिखाते नहीं हैं। ओके, सो यहाँ पर कुछ लोगों की लव लाइफ में भी ब्लॉकेजेस मुझे नज़र आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये लव लाइफ की ब्लॉकेजेस आपके रूट चक्रा अगर आप हील करेंगे, हार्ट चक्रा होता है वैसे तो ब्लॉकेजेस का, बट यहाँ पर रूट चक्रा स्पेसिफिकली आया है आप लोगों के लिए, तो अगर आप रूट चक्रा को हील करेंगे तो आपकी लव लाइफ की ब्लॉकेजेस भी यहाँ पर दूर हो सकती हैं। एंड उसके लिए आप ये रोज़ क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट भी, ओके, ये पिंक ब्यूटिफुल सा पिंक ब्रेसलेट जो है ये भी आप पहन सकते हैं। ओके, सो मैं यहाँ पर रख देती हूँ इसको। अब हम देखते हैं कि आपके लिए क्या बदलाव आ रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में, आफ्टर 777 पोर्टल क्या लेकर आ रहा है आप लोगों के लिए। पाइल नंबर 2, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, इनसिक्योरिटी, देखिए यहाँ पर हार्ट चक्रा मैंने बोला ही था वही आ गया, इनसिक्योरिटी है, थोड़ा सा डेप्थ, बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है गाइस आप लोगों के लिए, यहाँ पर मेजर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है 777 पोर्टल आप लोगों के लिए, मेजर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्या थे क्या बन गए कैसे क्या हो गया। टेन ऑफ सॉर्ड्स, बहुत बहुत इंटेंस एनर्जी है यहाँ पे। द हायरोफेंट, ओके, मैं कार्ड्स निकाल लूँ उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। कार्ड्स देख के तो आप समझ ही गए होंगे, द वर्ल्ड, वाओ, टेम्परेंस, माइंड बॉडी स्प्रेड का बैलेंस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है एम्प्रेस, एम्प्रेस बन रहे हैं भाई यहाँ पर, बहुत सारे हो सकता है, फेमिनाइन एनर्जी वीडियो को ज़्यादा देख रहे हैं, और अगर आप फेमिनाइन एनर्जी नहीं है, अगर आप फीमेल नहीं है तो डोंट वरी, यहाँ पर आपके अंदर कहीं ना कहीं फेमिनाइन एनर्जी छुपी हुई है। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर मदर हीलिंग आ रही है, बहुत सारे लोगों के लिए
आप चाह रहे हैं कि आप कंसीव करें, प्रेगनेंसी कंसीव करें, बट वो नहीं हो पा रहा है. ओके, बहुत सारे वूंड्स मैं देख रही हूँ, बहुत सारे पास्ट ट्रॉमा मैं देख रही हूँ आप लोगों की लाइफ में. ये ट्रॉमा जो है आपकी चाइल्डहुड मेमोरीज से भी जुड़े हो सकते हैं, फाइनेंशियल चीज़ों से भी जुड़े हो सकते हैं. लव लाइफ में तो डेफिनेटली हैं आपके, ये जो भी आपके लाइफ में स्ट्रगल्स हैं ना, लव लाइफ में भी स्ट्रगल्स दिख रहे हैं, ब्लॉकेजेस दिख रही हैं. बहुत लोग यहाँ पर इमोशनली ड्रेन्ड हैं, इमोशनली एंग्जाइटी की प्रॉब्लम हो सकती है कुछ लोगों को, कुछ ये स्ट्रेस इश्यूज़ तो डेफिनेटली यहाँ पर आप लोगों को हो सकते हैं कि आपको आसानी से ट्रस्ट नहीं होता है. और आप कभी कभी यहाँ पर क्वेश्चन करते होंगे कुछ लोग कि ईश्वर ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, मेरी क्या गलती थी, है ना. यहाँ पर 555 एंजल नंबर भी बन रहा है जो कि बात करता है चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन. और आपके लिए यहाँ बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आफ्टर 777 पोर्टल. और यहाँ पर देखो आप लोगों की जर्नी जो शुरू हो रही है, आप बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, फाइनली आपने अपनी पावर को गेन किया, अपनी पावर को रियलाइज़ किया, अपनी पर्सनालिटी निखारी, अपने आप को पूरी तरह से चेंज किया, द वर्ल्ड द एम्प्रेस बन गए, अपने आप को बैलेंस किया, अपने आप को स्पिरिचुअली अलाइन किया. बहुत काम किया है आप लोगों ने अपने ऊपर, और ये जो पोर्टल है आपको रिवॉर्ड करने वाला है. आफ्टर दिस पोर्टल यहाँ पर आपके जो स्ट्रगल्स हैं वो बहुत हद तक कम होने वाले हैं. देखिए स्ट्रगल्स हमेशा पूरी तरह से ख़त्म नहीं होंगे क्योंकि हम ह्यूमन लाइफ में हैं, ह्यूमन फॉर्म में हैं, तो स्ट्रगल्स तो चलते ही रहेंगे. डेली लाइफ में हमारी छोटे या बड़े स्ट्रगल्स कैसे भी हैं वो चलते ही रहेंगे, बट बहुत हद तक आपके स्ट्रगल्स ख़त्म होने वाले हैं. यहाँ पर अगर आप किसी पर्सन पे ट्रस्ट नहीं कर पाए, अगर आपको धोखा मिला हमेशा, भले ही वो फाइनेंसेस में हो, भले ही वो लव लाइफ में हो, तो आपके इस धोखे का बदला जो है ना यूनिवर्स लेने वाले हैं. कर्मा अभी तक की जो भी थी वो कार्मिक साइकिल आप लोगों के लिए चल रही थी, अब आप उस साइकिल से निकल के बाहर निकलते जा रहे हैं, बाहर निकलते जा रहे हैं और गो विद द फ्लो की एनर्जी में आ रहे हैं. कई लोगों ने यहाँ पर, आप लोगों ने सरेंडर कर दिया है डिवाइन को, ईश्वर को सरेंडर कर दिया है कि अब आप ही संभालो जो भी मेरी लाइफ में हो रहा है, अब आप ही संभालो. जो कि देखो आपने सरेंडर कर दिया, ईश्वर हमेशा हर मोड़ पे आपके साथ हैं. यहाँ पर बहुत सारे लोग मुझे माँ काली के भी भक्त लग रहे हैं, माँ काली की आराधना कर रहे हैं. तो यस, माँ काली की अगर आराधना आप करेंगे तो शी विल ब्रिंग अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन. बहुत ज़्यादा ही उनकी जो एनर्जी है वो बहुत इंटेंस होती है, तो अगर आप उनके साथ उनकी आराधना करते हैं तो वो आपको एक मदरली लव तो देती ही हैं, बट आपको जो सिखाती हैं ना इतना मजबूत बना देंगी ना वो आपको कि दुनिया की कोई भी शक्ति आपको दोबारा से तोड़ नहीं सकती. तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप लोग इसी पर्सनालिटी में आते जा रहे हैं कि कोई भी शक्ति या कोई भी ताकत आपको नहीं तोड़ने वाली. आप अपने आप को इतना ज़्यादा ठीक कर रहे हो ना, निखार रहे हो, एम्प्रेस बन रहे हो, अपने पावर को रियलाइज़ कर रहे हो. काफ़ी सारे लोगों ने अपनी इंट्यूशन को भी पाया है, अपनी इंट्यूशन को ठीक किया, मतलब बेहतर किया है. ओके, एंड यस, यहाँ पर आपसे यही कहा जा रहा है कि आप कीप वर्किंग ऑन योरसेल्फ, आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में हैं, बस थोड़े से कार्मिक लेसन्स और आपकी लाइफ में आने बाकी हैं, इसलिए आपको अभी और थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, शैडो वर्क करना पड़ेगा और पास्ट के ट्रॉमा से आपको, पास्ट के वूंड से हील होना पड़ेगा. फाइनेंशियल जो भी ब्लॉकेजेस थी, फाइनेंसेस अगर आपके अच्छे नहीं चल रहे थे तो अभी समय आ गया है कि फाइनेंसेस आपके अच्छे होने वाले हैं. अगर आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते थे, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा भी मुझे लग रहा है कि आप पढ़ाई करना चाहते थे बट उतनी रिसोर्सेज नहीं थे आपके पास, उतने पैसे नहीं थे या किताबें नहीं थी, कॉपी नहीं थी कि आप पढ़ाई कर पाएँ. कुछ ना कुछ स्ट्रगल्स रहे हैं आपकी पढ़ाई में भी, कुछ ना कुछ आप पढ़ना चाहते थे लेकिन हायर एजुकेशन गेन नहीं कर पाए. कुछ लोग यहाँ पर स्पिरिचुअली आगे बढ़ना चाहते थे बट वो नहीं कर पाए. इतनी टफ लाइफ लेसन्स की खुद की एग्जिस्टेंस पे ही आपने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि मैं क्यों हूँ मैं यहाँ पर, जब मेरी लाइफ में इतने दुख लिखे हुए हैं तो मुझे जन्म ही क्यों मिला. इस तरह की मुझे यहाँ एनर्जीज मिल रही हैं. रूट चक्रा पे काम कीजिए, हार्ट चक्रा पे काम कीजिए. ठीक है, आप रूट चक्रा पे कैसे काम कर सकते हैं? ग्रीनरी, ग्रीनरी के पास आप लोग जा सकते हैं और मदर अर्थ के साथ कनेक्ट कीजिए. ओके, ये आप लोगों के लिए ना मस्ट है पहनना. ओके, रोज़ क्वार्ट्ज ब्रेसलेट, लव एंड अट्रैक्शन ब्रेसलेट, हीलिंग ब्रेसलेट आप कह सकते हो, या आप मुझसे ले सकते हैं, मैं पूरी तरह से एनर्जाइज़ करके आप लोगों को देती हूँ. ओके, तो ये मस्ट है आप लोगों के लिए पहनना. और देखिए, अगर आपकी माँ के साथ भी अच्छी बॉन्डिंग नहीं थी, आपकी मॉम के साथ अच्छी बॉन्डिंग नहीं थी, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आप लोगों को अभी ये मौका मिलने वाला है कि आप अपने पास्ट के मदर वोन्स को हील कर पाओ. माँ के साथ जो भी आपकी इमोशनली
डिटैचमेंट लग रही थी, डिटैचमेंट कह सकते हैं, डिटैचमेंट हो रहे थे हम, तो उसको हील करने का मौका आपको मिल रहा है, हीलिंग आ रही है आप लोगों के लिए, ठीक है। और वो भी बहुत ही पूरी तरह से आप हील हो रहे हैं। इनर चाइल्ड इश्यूज़ हैं तो वो भी आपके हील हो रहे हैं। पास्ट कोई ट्रॉमा है, हार्ट ब्रेक है, तो वो भी यहाँ पर हील होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। और एक पर्सनैलिटी जिसको किसी से भी डर नहीं लगता है, जो अपनी पावर में स्ट्रांग है, जो अपने आप में ही सब कुछ है, कंप्लीट पर्सन है, वो आप यहाँ पर बन रहे हैं, ठीक है। अगर कुछ लोग यहाँ पर फॉरेन जाना चाहते थे, अब्रॉड जाना चाहते थे, वीज़ा पीआर में प्रॉब्लम हो रही थी आपकी, तो यहाँ पर अब वो पोर्टल के बाद ना आपके ये जो चांसेस हैं ये भी बढ़ने शुरू हो जाएंगे। आपके वीज़ा या पीआर का अप्रूवल आप लोगों को मिल सकता है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर अपनी ब्यूटी को लेकर बहुत, मतलब अपनी बॉडी को लेकर बहुत कंसर्न थे कि शायद ओबेसिटी की वजह से, या फिर अपनी बॉडी को पसंद नहीं करते थे कि कैसे दिखते हैं, या फिर अपनी फेस को, अपने आप को कोसते थे कि ऐसा क्यों बनाया मुझे। तो देखिए ये जो भी है ना, आप चेंज करने वाले हैं अपनी इस थिंकिंग को, इस मेंटलिटी को आप चेंज करने वाले हैं कि मुझे ऐसा क्यों बनाया। अब आप थैंक यू करने वाले हैं हर एक चीज़ को। देखिए आप लोगों के लिए ना थैंक यू बोलना बहुत, ग्रैटिट्यूड जर्नल को फॉलो करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ग्रैटिट्यूड जर्नल को फॉलो कीजिए। कुछ लोग यहाँ पर बीमार भी थे तो आपको हीलिंग मिल रही है। अगर आप किसी लंबी बीमारी से जूझ रहे थे तो आप लोगों को हीलिंग मिल रही है, हील हो रहे हैं आप लोग माइंड बॉडी स्पिरिट से। माइंड बॉडी स्पिरिट का बैलेंस आप लोगों के लिए लाइफ में आ रहा है, ओके। अब आपका ना देखिए यहाँ पर एंजल्स भी आपके साथ मौजूद है, एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं। आने वाले समय में ना आप खुद को एक ऐसी जगह पर पाएंगे, जो भी आपने अभी तक लर्न किया है, जो भी एक्सपीरियंसेस से आपको ईश्वर ने गुजारा है ना, उन एक्सपीरियंसेस को आप लोगों में बांट पाएंगे, ताकि ये लोग है ना आपसे मोटिवेट हो पाएँ। आने वाले समय में आप काफ़ी लोगों को मोटिवेट करने वाले हैं, गाइड करने वाले हैं, एक लीडरशिप रोल को आप निभाने वाले हैं, एक अच्छे से एक इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं आप लोग, ठीक है। सोशल मीडिया वगैरह पे भी आप लोग इन्फ्लुएंस कर सकते हैं काफ़ी ज़्यादा लोगों को, एक अपनी पावर में स्टेप अप करते हुए मैं देख रही हूँ आप लोगों को, ओके। बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है। देखिए आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज चल रहा है, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, और ये कुछ समय का और चेंज बाकी है। मुझे लगता है जुलाई मंथ थोड़ा सा आपके लिए हैवी रह सकता है, और क्योंकि आप हील कर रहे हैं तो हीलिंग में ना, देखिए ट्रॉमा में उतनी दिक्कत हो रही है, लेकिन हीलिंग में और भी ज़्यादा थोड़ी सी दिक्कत होती है ना, ओके। तो यहाँ पर जैसे कि ऑपरेशन होता है तो उसमें भी हमें दर्द होता है ना, दवाई लगाते हैं चोट पे तो उसमें भी थोड़ी सी जलन हमें होती है। तो यस, यहाँ पर आपके लिए हीलिंग आ रही है, बट थोड़ी सी दिक्कत आपको तब भी होगी। हार्ट चक्रा पे काम कीजिए, रूट चक्रा पे काम कीजिए, ओके। लग्जरी भी आ रही है कुछ लोगों के लिए। अगर आप लोगों की शिकायत थी कि आपको फाइनेंसेस इतने अच्छे नहीं चल रहे कि आप अपना बजट मेंटेन करें या लग्जूरियस जीवन व्यतीत करें, तो आपके लिए लग्जरी भी आ रही है, ओके। बिग हैप्पी चेंजेस, ओके, यहाँ पर गाइडेंस आपके लिए आ रही है कि बिग हैप्पी चेंजेस आपके लाइफ में आ रही है, और अपने हाथों को फैला के ना, अपने हाथों को फैला के आपको थैंक यू बोलना है यूनिवर्स को, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग पॉजिटिव चेंजेस इन माई लाइफ, थैंक यू, थैंक यू। बहुत ज़्यादा यूज़ करना है आपको वर्ड्स, ओके। अभी सही समय नहीं चल रहा है, नॉट द राइट टाइम, इसलिए शायद फ़िलहाल देखिए सब कुछ डिवाइन प्लान का हिस्सा है, और अभी आपके लिए कुछ सही समय नहीं चल रहा है। तो सब कुछ सरेंडर करके साथ करने के साथ ही आपको आगे बढ़ना है। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, नई चीज़ की शुरुआत कीजिए। अगर आप लोगों ने सोचा था कि पास्ट में ऐसा हुआ था और फ्यूचर में भी अगर ऐसा हो गया तो यू नेवर नो, ओके। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, नई दिशा में आपको सोचना है, नई थिंकिंग अपने लिए लेकर आनी है। कॉम्प्रोमाइज़, यहाँ पर भी बैलेंस की एनर्जी आप देख सकते हैं, थोड़ा सा चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, ओके। कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना चाहिए अपनी लाइफ में। ऐसा नहीं चलेगा कि आप सिर्फ लव लाइफ के बारे में ही सोच रहे हैं, या फिर पर्सनल ग्रोथ के बारे में ही सोच रहे हैं, और प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं सोच रहे, ऐसा नहीं चलेगा। आपको दोनों चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ओके। और क्या गाइडेंस आ रही है आप लोगों के लिए पैन नंबर टू, गो फॉर इट, ओके। न्यू मून इन एरीज, गो फॉर इट, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि जो भी आप अचीव करना चाहते हैं ना, जस्ट गो फॉर इट। अभी आपके लिए यहाँ ब्लॉकेजेस ओपन हो रहे हैं, सॉरी ब्लॉकेजेस खुल रहे हैं, हाँ राइट राइट, ब्लॉकेजेस ओपन अप हो रहे हैं। अब आपकी लाइफ में जो भी आप करना चाहते हैं, गो फॉर इट, ओके। स्पीक योर वर्ल्ड इन टू बींग, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आप
अपनी एक्सपीरियंसेस को शेयर कीजिए, अपनी नॉलेज को शेयर कीजिए, ठीक है, लोगों को गाइड कीजिए, अपनी नॉलेज के बारे में बताइए आपको यहाँ पर, ओके। और साथ में ना आपसे ये भी कहा जा रहा है कि अपनी फीलिंग्स को बयां कीजिए। अगर आप इतना हैवी फील कर रहे हैं और आप अंदर ही अंदर घुटन महसूस कर रहे हैं ना, तो वो अच्छी बात नहीं है। अपने आप को ओपन अप कीजिए, अपने अपने थ्रोट चक्रा पे काम कीजिए, ठीक है। थ्रोट चक्रा मतलब कि ऊपर आप, यहाँ पे चक्रास बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस में है आप लोगों के, ब्लॉक्ड हैं या तो इम्बैलेंस में है, यहाँ पे भी थ्रोट चक्र आया है। तो आपको कहा जा रहा है कि अपने स्पीकिंग स्किल्स, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए। अगर आपको सही से कोई सही जॉब नहीं मिल रही, कोई सही पोजीशन नहीं मिल रही, तो आपसे यही कहा जा रहा है अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कीजिए, ओके। एंड यहाँ पर फर्स्ट क्वार्टर मून एंड कैंसर पुश थ्रू एनी इनसिक्योरिटी, एग्जैक्टली इनसिक्योरिटी का वर्ड यहाँ पर आप देख सकते हैं। वही मैं आपको कह रही हूँ कि अपनी इनसिक्योरिटी पर काम कीजिए, मूलधारा चक्र पर, रूट चक्र पर काम कीजिए। किस चीज़ के लिए आप इनसिक्योर हैं उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर भी आप चक्र देख सकते हो, ये है हमारा थर्ड आई चक्र। आपका इंट्यूशन बहुत हाई है, अपनी इंट्यूशन के बात को सुनिए और अपनी आप पे ट्रस्ट कीजिए। कभी कभी ना आपका इंट्यूशन गाइड करता होगा आपको, बट आप लोग ट्रस्ट नहीं करते, आप सोचते हैं कि नहीं ये कैसे हो सकता है, ओके। थोड़ा सा इनसिक्योर आप फील करते हैं कि ये कैसे हो सकता है, अपने आप पे ही ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि अपनी इनसिक्योरिटीज़ पे काबू कीजिए, अपनी इनसिक्योरिटीज़ पे काम कीजिए। देखिए यहाँ पर आप वाटर हीलिंग कर सकते हैं, वाटर के साथ एफर्मेशंस कर सकते हैं, वाटर हीलिंग कर सकते हैं, नहीं तो आप मुझसे हीलिंग वाटर भी ले सकते हैं, ओके। शाइन न्यू मून इन लियो, शाइन अब आपका समय आ गया है शाइन करने का इस पोर्टल के बाद ना। अब आप देखिए ये सनफ्लावर्स आपको दिख रहे हैं ना, सनफ्लावर क्या करता है, सन की तरफ ही, सूरज की तरफ ही देखता है। और वो सूरज क्या होता है, हमारे एक पिता की तरह, पिता को रिप्रेजेंट करता है सूरज। तो यहाँ पर जो सूरज है वो क्लैरिटी लेकर आता है हमारी लाइफ में। तो आपको ये सूर्यमुखी के फूल की तरह, सनफ्लावर की तरह ना, आपको अपनी लाइफ में क्लैरिटी, सही डायरेक्शन को ढूंढना है, चूज़ करना है और आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। अपनी लाइफ में शाइन करने के लिए रेडी हो जाइए, ओके। सो यस गाइज, ये थी आप लोगों के लिए इतनी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। सो यहाँ पर मैं आप लोगों से थैंक यू करना चाहूँगी इतनी अच्छी एनर्जीज़ के लिए। आई नो कि टफ पीरियड है, बट आप लोग सरेंडर कीजिए, ट्रस्ट कीजिए डिवाइन पे। आप इस मुसीबत के समय से या फिर मुसीबत की घड़ी से या फिर जो भी स्ट्रगल्स हैं, मैं नहीं जानती, बट यस मैं बहुत सारी ब्लेसिंग्स भेज रही हूँ आप लोगों के लिए और बहुत सारी हिम्मत मैं भेज रही हूँ आप लोगों के लिए, ओके। सो यस गाइज, ये थी आप लोगों के लिए आज की गाइडेंस। अगर आपको थोड़ी सी भी गाइडेंस मिली आज की रीडिंग से, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल, और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा ये वीडियो। एंड अगर आप लोग मेरे चैनल अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन मिल जाएगी। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।